तो अब की बार वोट किसको किया? मोदी सरकार को। अच्छा, वो तो खुदे प्रसाद हर जगह टाइट किए रहे हुए है क्या, तो अब इसमें कोई डर नहीं है। अगर कोई बात है तो जो है 100 नंबर पर लगाइए, पुलिस आ जाती है। घर वालों ने मोदी जी को किया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो सरकार बहुत अच्छी चलाते हैं, इसलिए। कुछ विपक्ष वाले कहते हैं, वो जो बीच वाले लोग जो होते हैं ना, वो ये सब फालतू बात बोलते हैं। ओबीसी जी भी कह रहे हैं, यही गंगा है, गंगा को धरना है, यही आके तरना है। जैसे हमारे मोदी जी देखिए तर रहे, वो अपने लिए नहीं तर रहे, वो पूरे संसार के लिए तर रहे। भांग मांगे दूध मलाई और गाजा मांगे घी और दारू मांगे जूता चप्पल, सोच समझ के पी। पर और नॉलेज है, विदाउट कॉलेज है, काशी का नॉलेज है। क्योंकि सब कहते हैं ना, जय प्रभु दीनानाथ और सबकी डोरी तेरे हाथ। तो ऐसा भूल न करे, काम करे सादा और जो निवे बाप दादा। क्योंकि समय बलवान और समय पहलवान, देना है तो आदमी में आदमी ध्यान दे, ज्ञान किसी को न दे, क्योंकि सबके पास ज्ञान है। जिंदगी जब तक नहीं, जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। अरे मोदी जी महादेव के भेजे हुए यहाँ पे योद्धा है। तो गालिब जी एक बात बताइए, मोदी जी आए पहली बार, जीतने के बाद पहली बार आए थे और यहाँ पर लोगों को संदेश देके गए, तो कैसा लगा आपको? ठीक लगा। अच्छा, तो दोबारा से चुन के आए, बनारस की जनता ने प्यार दिखाया है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छे से देखेंगे और क्या हम। अच्छा, हाँ, और जो है जो भी काम कर रहे हैं ठीक ही तो लग रहे हैं, सब अच्छे से गुजर रहे हैं। और जो 5 साल गया है वो भी अच्छे ही गया है, उसमें क्या कहना है, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो 5 साल अच्छे तरीके गुजर जाए, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी तरह से गुजर जाए। हाँ, मतलब ये कुछ संभावनाएं गलत सी लग रही हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है अभी। अब ये अच्छा गुजर जाए, ये इससे अच्छी क्या बात होगी? मतलब जो उम्मीदें हैं जनता की, वो उस पर खरे उतर जाए। हाँ, बस यही। तो आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? क्या उम्मीद है, बस यही है, जिसकी जो तमन्ना ये पूरी हो जाए। अच्छा जी, आखिर वो संदेश जाता है बराबर, इससे बात तो है नहीं। अब ये पूरी हो जाए, ये बस, इससे बढ़िया इससे बेहतर क्या होगा। तो जैसा कि नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, उस समय कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को कहीं ना कहीं डराया गया था, तो अब की बार 2019 में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ, ऐसा तो आपको कहीं डर लगा गया? नहीं, डर नहीं लगा। इससे बात तो बहुत आती रहती है, व्हाट्सएप आती है और फेसबुक पर आती है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये बात लेकर चलेंगे तो खाली विवाद होगा। बेहतर है कि अपना दिमाग खुद से लगाइए कि इसकी भड़काव ना चाहिए, अपना दिमाग ही बेहतर ही सबके मिला के रही है, हिंदू मुसलमान ना कर रहे, बस यही कि सब लोग मिलजुल के रहिए, अपना दिमाग यही, बस यही बेहतर ही पड़ेगा। आपकी समाज से ही आते हैं नसरुद्दीन साहब, उन्होंने भी चुनाव से एंड टाइम पहले ही एक बयान दिया था कि मुझे डर लगता है हिंदुस्तान में रह के, कोई मेरा मजहब ना पूछ ले, तो आपको कहीं उससे कुछ फर्क पड़ने है? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डर नहीं, कोई इससे कोई बात नहीं है। जैसा कि आप हिंदू समाज के बीच में रहते हैं, कभी लगा इस तरह का कि मेरे साथ हिंदू समाज है या मैं हूँ, कुछ मन मुटाव या मन भेद वाली कोई बात? कश्मीरगंज में रहते भी है, उसमें हम लोग का कोई नहीं है, छोटा सा मोहल्ला है, हिंदू मोहल्ला बड़ा है, लेकिन हम लोग कोई बात नहीं इसी सब फर्स्ट क्लास। गंगा जमुना तहजीब आज भी बरकरार है। एकदम एकदम। तो देश के लोगों को जो भड़काव भाषण देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अरे उनको क्या कहना चाहिए, आप लोग तो खुद समझ रहे हैं। उनको क्या, उनको खुद समझ होना चाहिए कि ऐसी बात ना करें जो बात पैदा हो। खाने पीने से लोग खुद कमाई से परेशान इस वक्त है, बस बढ़िया से गुजर जाइए, ऐसा बयान करें कि जो है मिल्लत पैदा हो। अच्छा, कोई विवाद ना हो। तो अब की बार वोट किसको किया? मोदी सरकार को। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, अभी रिसेंटली में ओबीसी जी हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, कहा है कि जितना हिंदू से डर नहीं है उतना हिंदुत्व से ज़्यादा डर लगता है, ऐसा कुछ कहीं लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सरकार मजबूत है, अब इससे बढ़ के क्या है, वो तो खुदे प्रसाद हर जगह टाइट किए रहे हुए है क्या, तो अब इसमें कोई डर नहीं है। अगर कोई बात है तो जो है 100 नंबर पर लगाइए, पुलिस आ जाती है, तो इसमें कोई डर नहीं है अभी तक, कोई इसे हमारे सामने तो कोई बात इसी नहीं आई। मतलब मुस्लिम सुरक्षित हैं? हाँ, एकदम सुरक्षित। वो तो नहीं है कि जैसे मोदी जी के नाम से पहले डराया गया कि आ गए तो ये हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, यहाँ पे मारकाट हो जाएगा, ऐसा कुछ? ऐसा कोई बात नहीं है, प्रशासन बहुत टाइट है। अच्छा, पुलिस भी। मतलब उम्मीद है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं ऐसा काम हो रहा है? हाँ, एकदम। मीडिया भी पूरी तरीके से तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए, ये गंगा यमुना की तहजीब है, आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं, साथ में हर हर महादेव का नारा भी लग रहा है। वही बात है, आओ, इसे भैया लोग भी जो है जानते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। देखते हम लोग भी बराबर आते हैं, टालते फिरते हैं, कोई कुछ भी बोलता नहीं है, फर्स्ट क्लास का। तो जैसे कि आप जैसे मुस्लिम मजहब से आते हैं, गंगा यमुना जो तहजीब है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि गंगा के किनारे आप घूम रहे हैं और इतना बढ़िया शानदार माहौल है। हाँ देख लीजिए भैया, भाई लोग हैं इधर, सभी लोग हैं, इसे कोई बात नहीं, सब फर्स्ट क्लास का है। क्या नाम है दोस्त? समीर। तो समीर एक बात बताओ, वोट किसको किया आपकी बार? हमने वोट तो हमारा आया नहीं, और मैंने अभी वोट किसी को किया भी नहीं है। घर वालों ने किसको किया? घर वालों ने मोदी जी को किया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो सरकार बहुत अच्छी चलाते हैं इसलिए। कहाँ चला रहे हैं सरकार अच्छी? बहुत अच्छी चला रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे करा देते हैं मोदी जी, पूरा पूरा घाट उन्होंने बदल दिया। मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। कुछ विपक्ष वाले कहते हैं, एक बात बताओ, वो तो कहीं ना कहीं ये कह देते हैं कि विपक्ष वाले मोदी जी आ जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम वाला डर पैदा हो जाता है। कोई बात नहीं है, वो सब गलत बोलते हैं। वो जो बीच वाले लोग जो होते हैं ना, वो ये सब फालतू बात बोलते हैं। ऐसी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सब चल रहा है। मोदी जी जो है बहुत अच्छा चला रहे हैं। ओबीसी जी भी कह रहे हैं। क्या नाम है दोस्त? प्रधान। प्रधान कौन से वाले प्रधान हो भाई? प्रधान हुसैन। प्रधान प्रधान हुसैन। प्रधान एक वो भी आता है ना तम्बाकू वाला प्रधान, एक गांव मोहल्ले के प्रधान भी होते हैं। एक गांव मोहल्ले के भी तो प्रधान होते हैं। हाँ एक अच्छा, तो एक बात बताओ, वोट किया? मेरा वोट आई नहीं। अच्छा तो क्या लग रहा है अब की बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और आज घूम के गए यहाँ पर, कैसा फील लग रहा है अंदर? बहुत बढ़िया तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि मोदी जी और आने वाले हम लोग प्रधानमंत्री आपके यहाँ से हैं, और अलग ही बात होनी चाहिए क्योंकि सांसद आपके हैं और देश को लीड यहाँ से करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। वो आने वाले भी ना है क्या? गए आज आ गए, आज आके बहुत अच्छा लगा। हम लोग उनके स्वागत में भी हैं, अभी जा रहे हैं बस उनके स्वागत के लिए मदनपुरा रोड पे। बस बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अच्छा। अब क्या बताएं, इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता भी नहीं सकते। धन्यवाद। क्या नाम है? अजमुल हसन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गंगा के घाट पे घूम करके कैसा आनंद आता है? मजा आता है। मजा आता है। डेली आते हो? डेली नहीं आते हैं, अभी रोजा भी नहीं आया। अच्छा, रोजा पहले डेली आते हैं। अच्छा रोजा हो गया पूरा? हाँ रोजा पूरा है। अच्छा तो कैसा रहा माहौल आपका अब की बार बनारस, कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बनारस मोदी माया हुआ? हाँ मोदी माया हुआ। अच्छा जीत बहुत अच्छी दे दी है बनारस से। हाँ ठीक धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संतोष मिश्रा, मेरा चैनल चलता है संतोष मिश्रा बनारसी अंदाज के नाम से। तो एक बात बताइए, बनारसी अंदाज और जो आपका नाम फेमस है जिस तरीके से, वो एक दो बातें हमें बता दी जाए और हमारे दर्शकों तक रख दी जाए। हमने जो है बीइंग इंडियन बनारस का चल रहा था जो साहिल ठक्कर जी का, उसमें हमने दिया था। वो समय उतने बड़े यूट्यूबर नहीं थे वो। हाँ। और नॉर्मल यूट्यूबर थे और गंगा घाट किनारे हमसे उनसे मुलाकात भई रही, तो उसमें हमने बहुत लेटेस्ट हमने बातों कहा था उसमें। वो बात जो है पूरा हाईलाइट हो गया, पूरे वर्ल्ड में छा गया है। आज उस वीडियो के द्वारा हमको लोग बहुत लोग और जान गए और मान गए, पहचान गए। और उन्हीं लोगों का दिया हुआ यूट्यूब, लोगों का दिया हुआ है जो आज मैं अपना यूट्यूब चला रहा हूँ चैनल। अच्छा। मेरे चैनल का नाम है संतोष मिश्रा बनारसी अंदाज, हमारा चेहरा देख सकते हैं उसमें। नाम से तो बहुत संतोष है, उसमें हमने काम किया है, यूट्यूब में तुरंत आ रहा है। अच्छा हाँ तो कैसा संतोष है आपके अंदर? संतोष ये है जो हमारे अंदर कोई दोस्त, देखिए इंसान के अंदर जैसा दोस्त वैसे दोस्त मिलेंगे। आपके अंदर जैसा दोस्त रहेगा, कहेंगे यही बोना है, यही काटना है, ये काशी है, यही गंगा है, गंगा को धरना है, यही आके तरना है। जैसे हमारे मोदी जी देखिए तर रहे, वो अपने लिए नहीं तर रहे, वो पूरे संसार के लिए तर रहे और तरा रहे हैं और लोगों को भी धर रहे हैं और लोग धर रहे हैं, कायदे से पकड़ भी रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं आपका परिणाम क्या आया। एक बात बताओ, आज मोदी जी आए तो उन्होंने बहुत कुछ कह के गए हैं बनारस के लोगों के लिए। जी जी। और एक बात सबसे जो ज्यादा फेमस है पान बनारसी, उनके लिए भी एक मैसेज दिया है बनारसी, तो आप क्या कहोगे? हमारा कहना है भी, हमने बोला था मैसेज में यही साहिल ठक्कर जी के वीडियो में हमने बोला था, ये काशी है, यहाँ लोग भांग बूटी यही सब छानते हैं। तो हमारा सलाह है, जो काशी है यहाँ लोग भांग बूटी छानते हैं, तो भांग मांगे दूध मलाई और गाजा मांगे घी और दारू मांगे जूता चप्पल, सोच समझ के पी, या कोई काम करने से पहले सोच समझ लीजिए, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की बात है। हाँ। निभाना है इसको, ये नहीं आज कह दिया कल हम नहीं कर लिए, तो कहने से नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। एक आपका वो पढ़ने लिखने वाला भी कुछ मैसेज है, वो और सुना दिया जाए। हमने बोला था भैया यहाँ हमने फ्रेंच बोलते हैं, एक्सक्यूज मो किस की दी शफाफों से, फ्रेंच भाषा, इजरायली भाषा, जापानी भाषा, तमाम भाषा यहाँ लोग बिना पढ़े तमाम भाषा, क्योंकि ये काशी है, यहाँ एक से एक लोग आते रहते हैं।
हम कहते हैं कोई दुबई जाता है, कोई सऊदी जाता है, और वहाँ का भी भाषा उसको आता नहीं है, नया नया जाता है, तो उसको खाना पीना जब जरूरी सामान आता है ना, तो जरूरी जरूरी भाषा ऑटोमेटिक आ जाता है। जहाँ से आएगा जो धन ना, वहाँ का ढंग भी आ जाता है। तो धन अगर वहाँ का आएगा, यहाँ हर ढंग का पैसा आता है, हर ढंग का आदमी भी रहता है और हर भाषा बोलता है। इसी में हमने कहा था भैया यहाँ है, यहाँ लोग पढ़े नहीं है, कम पढ़े हैं, पर और नॉलेज है, विदाउट कॉलेज है, काशी का नॉलेज है, यहाँ नॉलेज की कमी नहीं, ज्ञान की नगरी है काशी है। तो एक बात बताइए, अब जैसी मोदी जी को प्रचंड जीत मिली है, पूरे देश से तो मिली मिली है, बनारस से भी तगड़ी वाली मिली है, तगड़ी मिली है, तो क्या कहेंगे? तगड़े से काम भी होगा ना, काम होगा, काम बोलता है, नाम से नहीं होता है, काम से होता है, काम बोलता है, काम बोलता है। नारा तो अखिलेश जी का है, नारा ठीक है, तो काम जो करेगा भैया, करेगा तो सब बोलेगा ना भैया, है कि नहीं है? तो अखिलेश जी ने नहीं किया, नहीं उन्होंने भी किया, अपने जगह पे सब सही काम करता है, पर समय सही होना चाहिए सबका, समय ही पहलवान और समय बलवान, तो समय जिसका मेहरबान है अभी उन्हीं के ऊपर मेहरबान है, तो क्योंकि सब कहते हैं ना जय प्रभु दीनानाथ और सबकी डोरी तेरे हाथ, तो सबकी डोर उन्हीं समय, इस समय मेन डोर उन्हीं को पकड़ा गया है, हमारे उपाधि में जो है मोदी जी है, इसमें उनको लिया गया है। आज उन्होंने एक भाषण में रखा सबसे बड़ा विषय कि जैसे ही जीत हुई, मेरी जीत तो नहीं पर ये जनता की जीत है और देश की जीत है, तो साथ ही साथ अयोध्या में दीपावली मन गई है, मन गई है, इससे पहले क्यों नहीं? इससे पहले अब ये तो हम नहीं बता सकते, लोग से भी चर्चा करिए, क्योंकि पूरी चर्चा मैं तो कोई स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं भाई, चर्चे में तो एक से एक हैं लोग, आप क्या रखेंगे अपने विचार, क्योंकि इससे पहले दिवाली नहीं मनती थी, अब की बार दिवाली बड़े दीपो दिवाली मनी है, सब कोई ऐसा भूल न करे, क्योंकि भूल करेंगे तो झूल भी यही है, तो ऐसा भूल न करे, काम करे सादा और जो निवे बाप दादा, ज्यादा रंगीन बोलना भी संगीन हो जाता है, इसलिए तो ऐसा बोलिए जो सादा, जो निवे बाप दादा, तो किसी विषय में हमको क्या बोलना है? तो एक बात बताओ संत मिश्रा जी, लोग हाईलाइट के लिए क्या से क्या बोल देते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बलवान और समय पहलवान, समय क्या जाने आप कहाँ हो हम कहाँ हो, बिल्कुल ये समय गोल है, दुनिया गोल है, हर आदमी उनके लिए अनमोल है, हैं तो उस अनमोल का जो है अनमोल बन के भी रहना जरूरी है। तो अनमोल कोई कोई फेमस जो डायलॉग है आपका खुद का लिखा हुआ कुछ, जो काशी की ज्ञान में से अवतरित हो, वो ज्ञान काशी की नगरी है, यहाँ हमारे अगर मसानी बाबा भी हैं, बाबा विश्वनाथ हैं, गंगा माँ है, उसके बीच में जो गंगा तट पे जो है काशी का नगरी है अगर मसानी, यहाँ का बच्चा बच्चा है ज्ञानी, यहाँ ज्ञान देने की किसी को जरूरत नहीं है, देना है तो आदमी में आदमी ध्यान दे, ज्ञान किसी को न दे, क्योंकि सबके पास ज्ञान है, क्योंकि सबके ऊपर प्रभु का ध्यान है और प्रभु के ऊपर भी सबका ध्यान है, तो जैसा ध्यान वैसा ज्ञान, तो आप ज्ञान कैसा देना चाहेंगे, कैसा ध्यान मिलेगा आपको? एक दो और डायलॉग हो जाए, अब दो और डायलॉग हो जाए, डायलॉग तो अच्छे वाले हों, जिंदगी का भी एक डायलॉग है भैया, जिंदगी जब तक नहीं, जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, अब कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से, राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो माया में उतना मत परेशान करिए, धूप छाया आराम से लीजिए, राम की माया होता है तो परेशान हो जाता है, हद से ज्यादा छाया भी हो जाता है तो भी परेशान होता है, दोनों बराबर, उसी तरह अपने आप को बराबर बनाए रहे भैया, अपना चलाते रहे टावर, बैलेंस बना के रखा जाए। जी जी, तो एक बात बताओ, राम की बात आपने कर दी, तो मोदी जी राम मंदिर ला रहे हैं नहीं ला रहे? ये सब विषय में चर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है, बस कह रहे हैं अपने अपने धर्म विचार को जो है अच्छे तरह से निभाएं, जो जहाँ है, किसी में दरार किसी में सरार न बनाए, कि ये सोचे हम जैसे हम हैं वैसे वो है, क्योंकि सबकी दुनिया चलाने वाले वही हैं, आप राम कहते हैं हम रहीम कहते हैं वैसे कहते हैं, पर ये सब जो अपने अंदाज में सबको मानते हैं मानवता में रहिए, अच्छा, कहने का मतलब ये है, काम करिए सादा, निभे बाप दादा, किसी के बारे में रंगीन बोलना भी नहीं सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आदमी बोल के फिर बाद में कहता है अरे भूल हो गई ये, तो ऐसा भूल हम क्यों करें, अच्छा ऐसा काम क्यों करें, चाहे वो राम में हो चाहे वो रहीम में हो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि सब अपने करीब है, सब कोई गरीब है या अमीर है, खाते पी के जाना है पैमाने में, कितना बड़ा पैमाना हो, खा पी के जाना है वही जान ही रहे ना, खाएंगे पियेंगे कहाँ जाएंगे फिर, वही राजा हरिश्चंद के घाट नहीं, खाली करेंगे कि नहीं करेंगे, खाली करेंगे वो बात कह रहे हैं, क्या नाम है दोस्त? दीपक। तो दीपक एक बात बताओ, अभी नरेंद्र मोदी जी यहाँ से जीत ही गए हैं, बहुत बड़ी जीत हुई है इंडिया से भी, क्या कहेंगे? अरे मोदी जी महादेव के भेजे हुए यहाँ पे योद्धा है, उनको कोई हरा नहीं सकता है, और जब तक तो वो रहेंगे वो हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसा करके जाएंगे जो कि इतिहास में रचा रहेगा उनका नाम, अच्छा इतिहास में रचा रहेगा, हाँ हाँ,
तो एक बात बताओ, जिस तरीके से आज भाषण दिया है नरेंद्र मोदी जी ने आपके वाराणसी में, पहली बार आए उन्होंने एक बात कही, बनारस का जो पान है भारत माता की जय भी बोलते हैं और पान खा करके वहीं पर थूक देते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कुछ समझ में आएगा बनारसी लोगों को? अकेले मोदी जी तो पूरा साफ सफाई या थूकने से मना नहीं कर सकते हैं ना, मतलब वो कह सकते हैं कि भाई वो भी स्वच्छता रख रहे हैं और पब्लिक भी रखे, दोनों हाथ से ताली बजता है ना, अकेले मोदी के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। पूरी जनता को उनका जो काम कर रहे हैं उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। हम फॉलो कर रही है, जनता नहीं कर रही है, अब वो जनता के ऊपर देखिए। जितना बड़ा हिसाब किताब यहाँ से दिया है, 5 लाख के आसपास की जीत हुई है, तो कम से कम कहीं ना कहीं तो प्यार तो कर रहे हैं, उनकी बातों पे भी तो आदर्शों पे भी तो चलना होगा। बिना आदर्श के देखिए पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार आना मोदी का, ये प्यार ही है जनता का, जनता का प्यार ही है उनके लिए। और विपक्ष में तो कितने लोग की क्या क्या बोले क्या क्या नहीं बोले, लेकिन जो लहर है महादेव का वो पब्लिक जान रहा है कि हाँ महादेव के जो भेजे हुए ये अवतार हैं। अच्छा। हाँ धन्यवाद।